आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एज में गूगल सीट की क्लास में हम बात कर रहे हैं एडिट मेनू बार, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे कट कॉपी पेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पेस्ट स्पेशल का। देखिए, इस एक एरिया आपने इसको लिया और इसको लेने के बाद आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो जनरली आप कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने बात है कि अगर आप गूगल शीट से डेटा कॉपी करते हैं तो क्या एक्सेल पे पेस्ट होगा? जी हाँ, एक्सेल पे भी पेस्ट बड़ी आसानी से हो जाए, लेकिन सेम फॉर्मेटिंग जो होती है वो नहीं आएगी। कुछ हद तक आपका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला भी नहीं आएगा। देखिए, इसमें यहाँ फॉर्मूला लगा ना, बट यहाँ फॉर्मूला नहीं आया, वो पेस्ट एज ए वैल्यू आपको सिंपली करेगा। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं ना आप, वही है। अब मैं एक्सेल सीट का डेटा लेके अगर मैं गूगल सीट में पेस्ट करता हूँ तब क्या होता है? तब मैं पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट हो जा रहा है, लेकिन ए बी फॉर्मूला वगैरह लेके नहीं आ रहा। समझ गए? यहाँ आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि अगर आप गूगल सीट से एक्सेल में और एक्सेल से गूगल सीट में डेटा लेके जाते हैं तो फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, रिमूव हो जाएगा, राइट? अब चलिए, मान लीजिए हम गूगल सीट टू गूगल सीट हम पेस्ट करते हैं तो सब कुछ आएगा जैसा आपने पेस्ट किया वैसा है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया और किसी और सीट पे या किसी और फाइल पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो जैसा है सेम आएगा। इसके अंदर जो फॉर्मूले वगैरह लगे हैं ये फॉर्मूले वगैरह भी आएंगे, ठीक है? तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट हो गया, और कट तो जानते ही है मूव होता है, तो कट कॉपी पेस्ट तीन चीज जान गए। अब बात आती है पेस्ट स्पेशल की, कि पेस्ट स्पेशल का क्या रोल होता है। देखिए, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा पेस्ट होता है। मुझे पूरा पेस्ट नहीं करना है, इसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है, तो उस केस में एडिट में आपके सामने आता है पेस्ट स्पेशल। जैसे पेस्ट वैल्यूज ओनली, इसमें क्या हुआ ना, आपकी फॉर्मेटिंग आई नहीं, आपका फॉर्मूला आया। नहीं आया ना सिर्फ फॉर्मूला, नॉर्मल जो डेटा टाइप करते हैं उसी डेटा को उसने पेस्ट कर दिया, ठीक है? और फिर एडिट में पेस्ट स्पेशल में वैल्यू के बाद आता है फॉर्मूला ओनली, तो ये भी सेम वैल्यू की तरह ही वर्क करेगा, बट इस बार ये आने की वैल्यू नहीं लेके आएगा, इसके अंदर का जो फॉर्मूला है ना सर वो फॉर्मूला लेके आएगा। सर, हमने सर फॉर्मेटिंग कर दी। हाँ, फॉर्मेट ओनली, सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगी, फॉर्मूला ओनली जो है ना सिर्फ फॉर्मूला लेके आए, ठीक है? ये फॉर्मूला है ना सर, फॉर्मूला ऊपर फॉर्मेटिंग जो है सिर्फ फॉर्मेटिंग लेके आए। अब फॉर्मूला लेके आए हैं, अब एक काम और करना है मुझे, इसमें का फॉर्मूला रिमूव करना, समझे? जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और तो ये अपने आप चेंज कर रहा है ना सर, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये फॉर्मूला रिमूव हो जाए, तो आप बोलेंगे कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दे, तो वैल्यू पेस्ट करेंगे तो कहीं और पेस्ट होगा ना। हम चाहते हैं इसी के ऊपर पेस्ट करें और हम चाहते हैं कि फॉर्मूला पेस्ट ना हो, सिर्फ वैल्यू पेस्ट, तो फॉर्मूला रिमूव हो जाए। यहाँ कॉपी करके उसी लोकेशन पे आप पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज ओनली कर दीजिए तो उसका फॉर्मूला रिप्लेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट कनेक्टेड होता है डेटा से। अब आपको एक पर्टिकुलर शीट को भेजना है, अब पर्टिकुलर शीट आपके डेटा शीट से कनेक्टेड है तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं तो फॉर्मूला रिमूव हो जाता है। पेस्ट एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
अब इसे एक तो होता है नॉर्मल फॉर्मेटिंग, जो आपने कलर सलर लगाया और नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो गया। एक होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, कि आपने बोला कि भाई 50 से बड़ा हो तो हाईलाइट कलर कर दे या कुछ और कर दे, अपने कंडीशन पे आपने दिया होगा, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग बेस करना चाहते हैं। डेटा वैलिडेशन होता है, जो आगे बताऊंगा, ये दोनों आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, लेकिन बता देता हूँ कि आप डेटा वैलिडेशन जो है सिर्फ डेटा वैलिडेशन पेश कर सकते हैं। फिर आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर डेटा, जैसे मान लें सुजीत ये क्या है, टॉप टू बॉटम है ना, राइट टू लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसपोज अगर मैं करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट है तो टॉप टू बॉटम हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार हम रिपोर्ट अपना बनाते हैं, बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कलर कॉलम को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देते हैं, करते हैं, क्योंकि वो एक पेज पे प्रिंट हो जाए या एक विंडो पे फिट हो जाए, ऐसा करते हैं ना सर। लेकिन जब उसको हम कॉपी करके कहीं और लोकेशन पे पेस्ट करते हैं तो आपका कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होता। इसे देखिए, इसको कॉपी किया, अब यहाँ पेस्ट कर रहा, कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं हुआ सर, तो फिर से वापस कॉलम के सारे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ आप आते हैं और आप करते हैं कॉलम विड्थ, तो एक कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, लेकिन ध्यान अच्छा रखिएगा कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करता है, किसको करता है, डेटा को नहीं करता है। डेटा अगर आपको करना है तो आप यू हैव अगेन कॉपी करके आप अगेन नॉर्मल पेस्ट कर दीजिए, आपका डेटा दिया। हाँ, पहले आप डेटा पेस्ट कर ले, फिर कॉलम विड्थ करें, या कॉलम विड्थ कर ले डेटा करें, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम विड्थ होता है। अब आता है ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर। कभी कभी क्या होता है कि हम बॉर्डर को नहीं रखना चाहते, ठीक है सर, तो अगर आप इसको कॉपी करते हो, आप पेस्ट करते हो, तो बाकी आप चाहते हो कि बाकी जितनी भी सेटिंग्स है, फॉर्मेटिंग है, वो तो सब कुछ आए बट इसका बॉर्डर ना आए, तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर कर दिया, तब कहाँ बोल रहा है, अच्छा बॉर्डर भी आया। हाँ ये जो लाइनिंग दिख रही है तो लाइन है, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल हमने क्या किया, बॉर्डर कर। अब बात करते हैं इसमें मूव की, जैसे कभी कभी इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ आप देखेंगे मूव एक्टिवेट नहीं है ना, लेकिन इस पे जब क्लिक करेंगे हम, यहाँ ये आप इसको कहते हैं मूव, मूव डेटा को सेलेक्ट कर ले, जब जाएंगे तो माउस का पॉइंटर इस हैंड का निशान का बना हुआ आ जाए, इस पे कॉपी करें और देखो मूव कर ले, नहीं नहीं कॉपी नहीं, सॉरी क्लिक करके, क्लिक क्लिक अच्छा क्लिक करके उठा के ले जाए, जैसे फाइल में कैसे रखते हैं आप, सेम ऐसे ही इसको लीजिए और उठा के यहाँ रख दीजिए। जी जी तो बाकी ये जो मूव आ रहा है ना, ये जो नहीं है, ये आपके इमेज पे आता है, इस पे इमेज पे। बाकी आती है डिलीट, आप वैल्यू से नॉर्मल से मान लो डिलीट होता है, हम सिलेक्ट करके हम लोग डिलीट को की प्रेस कर देते अच्छा हैं, तो यहाँ जो मूव है आपका वो पिक्चर, अब डिलीट जैसे वैल्यू हो गई, तो जैसे नॉर्मल डिलीट होता है ना वैसे डिलीट करता है, आपको रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, यहाँ देख सकते हैं रो के 3 से 8 रो डिलीट करना है,
एम सेल कोलाबरेट करना या सेल, हम चाहते हैं कि वो सेल सिलेक्टेड लीड हो जाए, नीचे के सेल ऊपर शिफ्ट हो जाए, हाँ और ये आपका लेफ्ट का सीट सेल जो है और राइट में शिफ्ट हो जाए। और नोट्स इसके ऊपर कोई कमेंट वगैरह बताया ना कल, कमेंट डालना, तो कमेंट वगैरह आपको डिलीट करना है तो नोट डिलीट करते हैं जो कमेंट का। बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ इंदर को फाइंड करना है, इंदर फाइंड किया, यहाँ अब यहाँ पे डन करता, तो इंदर जहां एक मिनट, जहां ऐसे यहाँ भी हम कर सकते हैं फाइंड, यहाँ से इंदर, तो इंदर जहां जहां है वो हाईलाइट हो गया सर। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस में होता है, इंदर को मुझे इंदरजीत से रिप्लेस करना है। इसमें कोई चीज है मैच केस, मतलब कि जिस इंदर जो है इसमें आई छोटा है ना, और मैच केस कर दूंगा तो मैच नहीं करेगा, मतलब अच्छा अपर लोअर केस का मैच करेगा इंटायर से, जैसे अब इंदर है, हाँ इंदर इंदर राणा होगा, अच्छा इंदर सिंह होगा, इंदर कुमार होगा, तो लुकअप कर लेगा, अगर इस पे क्लिक कर दूंगा नहीं, सिर्फ इंदर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ए ऑल्सो सर्च विथ इन फॉर्मूला, फॉर्मूला में भी सर्च करेगा और लिंक में भी सर्च करेगा दिस, इंदर और सर एक बार जरा मुझे क्या इंदरजीत को आपने रिप्लेस कर दिया नहीं, इंदर को इंदरजीत से रिप्लेस कर दिया हाँ, जहाँ पे इंदर था वो सब जगह इंदर जी। तो इसके लिए कुछ हमें क्लिक नहीं करना है और रिप्लेस ऑल कर देना है क्या, हाँ यहाँ पे रिप्लेस हो, जी हाँ। और ये मैच केस और मैच इंदर सेम काम करती मैच केस हुआ जैसे कि अगर आपने इंदर किया है तो इंदर से छोटा लेटर में है ना, तो है हाँ छोटा लेटर में ही होना चाहिए। मतलब जी सर, होगा अब जैसे कि देखिए इंदर सिंह होगा तो मैच कर लेगा ना सर, नहीं नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे होता है क्या है कि आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सुजीत कुमार लिखता हूँ, ठीक है सर, अगर मैं कंट्रोल एफ करता हूँ और सुजीत लिखता हूँ तो क्या होता है, ढूंढ ले रहा है ना सर, क्योंकि मैं सुजीत कुमार है ना यहाँ पे, हाँ तो मैं चाहता हूँ नहीं, सिर्फ सुजीत हो उसी को करे, सुजीत कुमार को ना करे, तो तो उसके लिए हम फाइंड और रिप्लेस का यूज करेंगे इसमें। मैच एंटायर सेल कंटेन, मतलब जो हमने टाइप किया वही पूरे सेल में होना चाहिए। अगर सेकंड वाले पे कैच करते हैं मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पे करते हैं तो जो डेटा जी जी देखिए, स्पेलिंग अगर बड़ा छोटा है तो अब मैं वो स्पेलिंग पे इशू कब होता है, जब मैच केस करते हैं तब, ठीक है। समझ गया सर, रिप्लेस सॉल्व कर दीजिए, देखिए करते हैं। सिर्फ सुजीत ने ब्लैंक कर दिया ना, डिलीट कर दिया, दिख रहा होगा, तो हमने कुछ डाला नहीं था ना रिप्लेस में, ब्लैंक कर दिया, डिलीट कर दिया, हमने रिप्लेस बीच में कुछ नहीं डाला था, अच्छा आपने ब्लैंक छोड़ दिया हम यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया था ना हमने इसलिए, हाँ समझ ठीक है। तो एडिट के अंदर हमने अंडो रिडो कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल डिलीट और फाइंड रिप्लेस कर लिया।